राजस्थान में एक नई शुरुआत हुई है। अब प्रदेश की पुरानी और उन्नत नस्ल की देशी गायों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इसके लिए नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण की शुरुआत की गई। पहला केंद्र पाली के जोजावर में खोला गया, जहां पहले दिन 17 गायों में एक साथ भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया। क्या है राज्य सरकार की योजना और किस तरह पशुपालक होंगे लाभान्वित, ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं के अनुसार देशी गोवंश में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक अब हकीकत में तब्दील हो गई है। इसके पहले केंद्र की शुरुआत पाली के जोजावर में मौजूद त्रिवेणी महादेव जैनेन्द्र गौशाला में हुई। इस तकनीक के जरिए कम समय में गुणवत्ता युक्त संतति उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस तकनीक से प्रदेश में थारपारकर, गिर, राठी नस्ल की उन्नत और उच्च अनुवांशिक गोवंश की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार निरंजन आर्य भी पहुंचे। इस तकनीक से गोवंश को संरक्षण मिलेगा और गोवंश बिगड़ नहीं रहेगी। दरअसल इस तकनीक के जरिए आवारा और मां बनने में अक्षम गोवंश के भी भ्रूण प्रत्यारोपण किया जा सकेगा, जिससे वो बछड़ियों को जन्म दे सके। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों और आमजन को मिलेगा। इसके लिए शुरुआत में प्रदेश में 3 केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। ये 7 संभाग मुख्यालयों पर भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र खोले जाएंगे। इसमें राजूवास जो है वो भ्रूण प्रदान करेंगे और हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं इन 7 संभाग के पॉलिक्लिनिक्स में वो लोग इसको प्रत्यारोपित करेंगे। आम पालक अपने जो पास के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो अपनी रिक्वेजिशन दे सकते हैं और जो संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के उन डिस्ट्रिक्टों में कार्यरत हैं वहाँ पर वो अपने सूचना दे सकते हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण योजना में कैसे फायदा मिलेगा, इस पर अगर बात करें तो जयपुर, बीकानेर और उदयपुर की वेटनरी कॉलेजों में प्रयोगशाला बनाई जा रही है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक प्रयोगशाला राजूवास यूनिवर्सिटी और पशुपालन विभाग बना रहा है। शुरुआत में 8 केंद्र बनेंगे। इसके लिए 8 पशु चिकित्सकों ने देहरादून से प्रशिक्षण लिया है। इन 3 वेटनरी कॉलेजों के लिए 6 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गयी, जिसमें पाली के जोजावर ट्रांसप्लांट केंद्र के लिए 145 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इस तकनीक में भ्रूण तैयार करने का कार्य राजूवास यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ करेंगे, जबकि तैयार भ्रूण को गाय के गर्भनाल में प्रत्यारोपण पशु चिकित्सक करेंगे। खास बात यह है कि इस तकनीक के जरिए प्रदेश की उन्नत नस्ल की गायों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सकेगा। नस्ल सुधार की पुरानी तकनीकों में समय ज्यादा लगता है, लेकिन इससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पशुओं में नस्ल सुधार किया जा सकता है। इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ने से पशुपालकों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस कार्यक्रम से जो फायदे होंगे उसमें से एक तो ये कि कम समय में उच्च अनुवंशिक वरीयता प्राप्त गोवंश उत्पन्न होगा, दूसरा गुणवत्ता युक्त संतति उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही दुधारू देशी थारपारकर, गिर और राठी नस्ल की उन्नत गायें उत्पन्न हो सकेंगी। इसके अलावा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। गोवंशी पशुओं में उनके नस्ल सुधार के लिए और उन्नत नस्ल की संतति प्राप्त करने के लिए ये भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से देसी गाय जो अवर्गीकृत हैं, जिनकी नस्ल जो है वो वर्गीकृत नहीं है, उनमें ये योजना लागू की जा रही है। इसमें वैसे अपने देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान में एक बार ब्याने पे जो अपने को संतति प्राप्त होती है उसमें 50% ही जो गुण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, परंतु भ्रूण प्रत्यारोपण से आप जो संतति है उसमें आपके चाहे गए 100% गुणों का स्थानांतरण होता है। तो ये टेक्निक बहुत बेहतर है और इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और या हम ये कहें कि जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है इसमें जो नस्ल का जो सुधार है वो सबसे जल्दी होता है। हालांकि अभी भ्रूण प्रत्यारोपण की ये तकनीक शुरुआती दौर में है और प्रदेश में केवल 1 केंद्र पाली के जोजावर में ही शुरू हो सका है। जल्दी जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में भी केंद्र शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बचे हुए संभाग मुख्यालयों जोधपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर में ये केंद्र शुरू करने होंगे। जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार इसे तीव्र गति से क्रियान्वित करे, जिससे कम समय में ज्यादा पशुपालक लाभान्वित हो सके। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।